आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरा होने पर उपलब्धियों का जश्न मनाया। मंत्रालय ने इस अवसर पर बताया कि देश में 99% शहर अब तक खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट बताती है कि 100% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दावे हकीकत से परे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता, ये पॉडकास्ट है और आज हम बात करेंगे कि भारत के लिए खुले में शौच मुक्त होने के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वे विश्वास के काबिल क्यों नहीं है, और देश में ODF करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं सोपान जोशी। सोपान जी पत्रकार हैं और आपने जल थल मल नाम से एक शोध पर किताब भी लिखी है। इसमें विस्तार से देश को स्वच्छ रखने के पीछे आने वाली बाधाओं का उन्होंने जिक्र किया है, ऐसी समस्याओं का ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ प्रस्तुत किया है। सोपान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपको और आपके सभी सुनने वालों को नमस्कार। सोपान जी, सरकार ने भी फिलहाल में आंकड़े जारी किए हैं कि 99% शहर जो हैं वो ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। आपने एक बड़ी शोध पर किताब लिखी है, आप कैसे देखते हैं इस वर्तमान समय में, क्या वाकई ऐसा संभव है? ये आंकड़े मुझे अगर ऐसे बताए जाएंगे तो मैं थोड़ा संभल के इन्हें देखूंगा, क्योंकि बहुत समय से सरकार ने शौचालय बनने के ठीक ठाक आंकड़े सामने रखे नहीं, और वैसे भी आंकड़ों के साथ सरकारों में जिस तरह की धांधली होती है उसको ध्यान में रखते हुए सरकारों में ये आग्रह बहुत ज्यादा होता है कि सरकार की हर चीज को एकदम बढ़िया बना के पेश किया जाए, तो उसको थोड़ा संभल के देखना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि को एक बार जरा ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें प्रचार सामग्री की तरह होती हैं। तो अगर ऊपर का हाथ ऊंचा हो और नीचे का हाथ कहाँ है ये दिख न रहा हो तो आकार का ठीक अंदाजा नहीं लगता। तो सोपान जी, क्योंकि मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है और उसमें आपने लिखा है कि चूंकि जितने शौचालय भारत में होने चाहिए अगर उतने बन गए तो एक बड़ा गंभीर जल संकट खड़ा हो जाएगा, और अब चूंकि सरकार कह रही है कि 99% ODF हो गया है, तो आप जरा मुझे बताइए वो पानी कहाँ से ला रहे होंगे? ये सबसे अच्छा सवाल पूछा भाई। स्वच्छता की सारी बातचीत देखो 1986 से लगातार एक दिशा में ही जा रही है। कार्यक्रम के कई रूप बने हैं, पहले ये केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता परियोजना थी, फिर वो टोटल सैनिटेशन कैंपेन हो गई, फिर वो निर्मल भारत अभियान हो गया, फिर वो स्वच्छ भारत अभियान हो गया, नाम बार बार साफ हो गया है, लेकिन वो सफाई जमीन पर है कि नहीं इसको लेकर कोई बहुत साफ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सही है कि शौचालय बनने से बाहर मलत्याग करने जाने वालों की संख्या कम हुई है, ये सही है, लेकिन वो किस कीमत पे हो रहा है? यानी हमने अपनी नदियों को शौचालय बना दिया है, और छोटे मोटे गांव और शहरों की बात अलग है, लेकिन बड़े शहर तो लगभग सारे के सारे दूर गांवों का और दूसरे शहरों का पानी लूट के लाते हैं। कई 100 किलोमीटर दूर से शहर हमारे पानी लूट लूट के लाते हैं और फिर उस पानी को अपने शौचालय में पीने लायक पानी से अपना मलमूत्र फ्लश कर देते हैं, और वो जाके मैला पानी हमारे नदियों और तालाबों को दूषित करता है। अब सरकार इसके लिए बहुत खुश हो जाती है कि उसने शौचालय बना दिया। जो लोग शौचालय बनाते हैं उनका उनसे कोई संबंध नहीं है जो नदी को साफ करने का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर मैला पानी बिना साफ किए नदियों और तालाबों में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसको साफ करना बहुत महंगा है, पानी दूसरों से लूटना बहुत आसान है, इसीलिए हमारे शहरों में पानी बहुत सस्ता मिल जाता है, क्योंकि लूटा हुआ पानी है, किसी दूसरे का अधिकार आपने छीन लिया है, और शहर बाकायदा उसको अपनी लाठी की ताकत से अपने पास लाते हैं और फिर उसको टट्टी पेशाब बहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सही में स्वच्छ हैं आप तो फिर आपकी नदियां भी साफ होनी चाहिए। अगर नदियां साफ नहीं है तो किसी का खून निकाल के अगर आप उससे नहा लेंगे तो आप साफ नहीं कहे जा सकते। तो ये नदियां कैसे स्वच्छ हों, किस तरीके से ये तंत्र विकसित किया जाए? पहला तो इसके लिए पहला काम करना यही जरूरी है कि शहर पहले ये माने कि उनका अपने जल स्रोतों से संबंध क्या रहा है,
नदियों से, तालाबों से, बावड़ियों से, हमने इन सबको गए जमाने का कचरा मान लिया है और हमको लगता है नए जमाने का पानी सारा पाइप से आएगा। पाइप से लूटा हुआ पानी आता है हमारे देश में और एक नई व्यवस्था आ गई है जो अंग्रेजों की गुलामी के समय प्रतिष्ठित हुई है, जिसमें जो बड़ा लुटेरा है वो उतना विकसित कहा जाता है, जो जितना बड़ा लुटेरा है वो उतना पानी बर्बाद करने का अधिकार रखता है, जबकि पानी के मामले में हमारा समाज बहुत ऊंचा और पुरुषार्थ से चलने वाला समाज रहा है। तो हम लोग अपने पानी का इंतजाम खुद करते थे, दूसरों का पानी लूटते नहीं थे और उसके बाद संचित पानी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते थे। तभी हमारे तालाब, बावड़ियां, कुएं, कुइयां, नदियां, इनमें पानी भी था और वो पानी साफ भी था। आज जो विकास की नाली बहती है और इस विकास में हर दल, ये दल वो दल, सब एक ही दलदल में है, सब वही विकास चाहते हैं जो लाठी से लूट के पानी शहर में लाए, उससे टट्टी पेशाब बहा के नदियों और तालाबों में डाले और फिर अपनी छाती खुद अपना सीना ठोके कि वो खुले में शौच जाने से मुक्त हो गया। तो ये तो गहरी समस्या है, लेकिन इसकी सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने शहर के किसी भी गरीब इलाके में पैदल के एक बार निकल जाइए। बिल्कुल। और पैदल चलते चलते आपको समझ में आएगा कि आपका पैर विष्ठा में पड़ रहा है, आपकी नाक को एक क्षण में पता लग जाएगा कि हम कितने ओडीएफ थे। दिल्ली में मेरा घर जहाँ पे है वो फिर थोड़ा महंगा इलाका माना जाता है, मेरे घर से 500 गज की दूर पे जाके मेरा पांव लोगों की विष्ठा में पड़ जाता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में खुले में शौच मुक्त के लिए जो आंकड़े सरकार प्रदर्शित कर रही है उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इस चर्चा में हमसे बात कर रहे हैं जल थल मल किताब के लेखक सोपान जोशी। तो सोपान जी, एक और व्यवस्था जो होती है शुष्क रूप से भ्रष्टा का निपटान करना, तो वो व्यवस्था भारत में क्यों नहीं लागू हो पाई? देखिए, लागू तो थी लेकिन उसका एक बहुत भयानक रूप रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सूखे शौचालयों को साफ करना अछूत जातियों के माथे डाल दिया गया। अब ये कब चालू हुआ, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम ठीक से नहीं जानते, लेकिन पिछले 200 साल में तो ये बहुत तेजी से बढ़ा है, जहां पे एक विशेष कमजोर जाति के लोगों को दूसरे लोगों के शौचालय साफ करना और हाथ से मलमूत्र उठाना उठाने के लिए मजबूर किया गया। अब ये लोग कौन थे, इस पे अगर हम शोध करेंगे तो पाएंगे कि ये एक समय कोई ना कोई समृद्ध समाज थे जो किसी न किसी कारण से मजबूरी में आ गए और फिर उनके लिए यही काम बचा। लेकिन अंग्रेजों के आने तक भी ये समाज इतने मजबूर नहीं हुए थे जितना अंग्रेज शासन ने इन्हें किया। उनके लिए मुक्ति का उनके साथ स्वच्छता की बात करना अन्याय है, क्योंकि जिन लोगों से जबरदस्ती मैला साफ करवाया गया है उनसे बात केवल उनकी मुक्ति की होनी चाहिए। इसीलिए 2014 में जब 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती से शुरू हुआ तो वह एक बहुत गहरे अन्याय का तुष्टिकरण था, क्योंकि सफाई का काम जिन्हें मजबूरी में जबरदस्ती करना पड़ रहा है उन्हें आदर्श बताना ठीक नहीं है। आप किसी भी ऐसी जाति के लोगों के साथ बात करेंगे, हमारे ही लोग हैं जिनके प्रति हमने परायापन अपना लिया है, जिनको अपने से दूर कर दिया, तो उनको वापस अपनाने की बजाय हम ये चाहते हैं कि वो उस मजबूरी में और गहरे जाके फंसे, तो ये तो अन्याय है। तो अगर हम सही में स्वच्छता इस देश में चाहते हैं तो सबसे पहले हम उन लोगों की मुक्ति का इंतजाम करेंगे
जिन्हें जबरदस्ती ये काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। सबसे पहले वह मतलब मेला ढोने वालों की मुक्ति का काम होना चाहिए, फिर सफाई का काम होना चाहिए, और फिर जो सफाई का काम हो वो जल स्रोतों से जुड़ के हो, क्योंकि जो भी नगर अगर उसके जल स्रोत उसके अपने टट्टी पेशाब से दूषित हैं तो वो स्वच्छ नहीं माना जा सकता। सोपान जी, एक एड मुझे बड़ा याद आता है, उसमें अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर थे, दो टंकियां बनाने का एड था वो, कि दो टंकियां बनाइए, एक में पानी जाएगा एक में मलमूत्र जाएगा, कुछ समय बाद वो सूख जाएगा तो उसका खाद के तरीके इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अच्छा, मैंने देखा, मतलब वो एड देखते हुए मैंने देखा और ये चीजें मैंने अपने आसपास महसूस की, लोग नाक मुंह से फोड़ने लगते थे, ये मानसिकता कैसे जाएगी लोगों की, लोग गोबर को देख के तो ऐसा नहीं करते? इसमें दो समस्याएं हैं, इसमें एक समस्या तो मल के प्रति हमारे रवैये की, लेकिन दूसरी समस्या वो ट्विन पिट शौचालय को ऐसे चलाना जैसे वो कोई एकमात्र ढांचा है दुनिया का, है ना। कोई भी शौचालय की व्यवस्था हर जगह के लायक नहीं होती जी। शौचालय कैसे बनाया जाए ये उस स्थान पे, वहां की वहां का परिवेश देख के, वहां के लोगों की जरूरत देख के तय किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे सरकारी स्वच्छता कार्यक्रम अपनी छवि की चिंता से बनते हैं, तो उन्हें उनमें एक तरह की हाबड़ तोड़ मची रहती है कि लोगों को किसी न किसी तरह शौचालय में बंद कर दो, वो तुरंत परिणाम चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने जाके फिर अपने सीना ठोक सकें कि हमने ये कर दिया। देखिए, लोगों के मन में इसको लेकर बहुत कई तरह के वहम हैं, और उनमें से कई वहम सहज रूप से प्राकृतिक रूप से हम में रहते हैं, और कई वहम संस्कृति हम पे जबरदस्ती मर देती है। जैसे ये सबको पता है कि मल में रोगाणु होते हैं, तो आप देखिए कुत्ता भी अगर कहीं मल त्याग करता है तो थोड़ा आगे जाके उस पर मिट्टी डालता है। कुत्ते को तो कोई सरकारी स्वच्छता अभियान से अंतर नहीं पड़ता, कुत्ता कैसे करता है ये, क्योंकि ये प्राणी मात्र को ये पता होता है कि इससे हमें खतरा हो सकता है। प्रकृति का ये तरीका है कि जो चीज खतरा डालती है उसमें वो कुछ ऐसी गंध या ऐसा रंग डाल देती है जो हमें चेतावनी देता है, इसीलिए हम दूर जाके शौच करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उसमें जो सल्फर की गंध है वो हमें अप्रिय है, और ये प्रकृति का तरीका है हमें अपने मल से दूर रखने का। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मल आखिर है क्या, मिट्टी की उर्वरता है जो फसल के रूप में उग के आती है और फिर उससे हमारा भोजन बनता है। प्रकृति का नियम ये है कि उसे वापस मिट्टी में जाना चाहिए, हम वो नियम तोड़ रहे हैं, हम मिट्टी से सारे उर्वरक निकाल के उसे बंजर बना रहे हैं और अपना मल मूत्र नदी और तालाब में डाल के उन्हें दूषित कर रहे हैं। यानी हमारी सफाई व्यवस्था ऐसी बन गई है जो हमारी खेतीहर जमीन को बंजर बनाएगी, हमारे जल स्रोतों को दूषित करेगी, और हम अपनी छाती पे तंगा लगा के घूमेंगे कि हम बड़े साफ सुथरे हैं। सोपान जी, आपने रोगाणुओं की बात की मलमूत्र से निकलने वाले, तो कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि इससे फैलने वाली बीमारियों की वजह से ज्यादातर लोग कुपोषित होते हैं, तो आप कितना सही समझते हैं? देखिए, ये मैं भी मानता था, बल्कि मैंने अपनी पुस्तक में भी यही लिखा है कि अब तक जो प्रमाण सामने आए हैं उनसे लगता है कि 45% हमारे बच्चे कुपोषित और आकार में छोटे रह जाते हैं, और पहले ये बताया जा रहा था कि इसका लेना देना उन बीमारियों से है जो शौचालय न होने की वजह से होती है। नया काम, नया शोध ज्यादातर ये बता रहा है कि इसका संबंध शौचालय से नहीं है, इसका संबंध इस बात से है कि हम अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं दे पा रहे हैं। यानी हमारे देश के अनाज के भंडार भरे पड़े हैं लेकिन हमारे बच्चे कुपोषित हैं। जो अध्ययन जिनके आधार पर ये दावे पहले किए जा रहे थे, उन अध्ययनों को ही ध्यान से देखा जाए तो उसमें समझ में आता है कि ये संबंध साफ नहीं है। जबकि कुपोषण से बच्चों का विकास रुक जाना एकदम साफ है। इसमें हमको विज्ञान को जरा ईमानदारी से देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि शौचालय बनाने की हड़बड़ी में लोगों को लगता है कि शौचालय बनाने में ही हमारा निर्वाण है, समाज की हर समस्या सुलझ जाएगी। महिलाओं के साथ हिंसा होती है, शौचालय बना दो। महिलाओं के साथ हिंसा इसलिए होती है क्योंकि हमारे समाज में हम अपने लड़कों को ठीक से बड़ा नहीं कर रहे हैं, उन्हें महिलाओं का सम्मान नहीं सिखा रहे हैं। महिलाओं के साथ हिंसा इसलिए होती है कि ताकतवर जातियां कमजोर जातियों को उनकी जगह बताने के लिए कमजोर जातियों की महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं। ये क्या शौचालय होने से रुक जाएगा क्या? क्या शौचालय बनाने से हमारे देश के पुरुषों की आंखें साफ हो जाएंगी? इसलिए कोई अपने शौचालय बनाने के आग्रह में हर कोई चीज फंसा देना, मुझे ये समझदारी की बात नहीं। तो सोपान जी,
बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा कि आपने इस पे कुछ कहने सुनने के लिए मेहनत की। आज हमें पत्रकारिता में अपने देश को, अपने ग्रामीण परिवेश को ध्यान से देखने समझने की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। आप ये काम कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोपान जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो आज तक रेडियो पर ये था पॉडकास्ट। पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं और ऐसे पॉडकास्ट आपको हमारे वेब पेज पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, कास्टबॉक्स, जियो सावन, यहाँ पर भी आप इन्हें सुन सकते हैं। अगर कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी फीडबैक रहता है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। आपके सुझाव और शिकायतों को बड़ी गंभीरता से हम लेते हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अमन गुप्ता के साथ थे आप। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।